Hey guys, assalamu alaikum, it's me Qurrat Hyder, welcome back to my channel. So guys, कैसे हैं आप सब? और जनाब, हमारा चैनल जो है वो 1K सब्सक्राइबर को हिट कर सका है और थैंक यू सो मच. ये सब जो है वो आप लोगों की ही मोहब्बत की वजह से हुआ है और हमारा चैनल जो है वो इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा 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 जो है वो ग्रो करेगा इंशाल्लाह. सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो है दहाब लेंसेज के ऊपर. दहाब लेंसेज जो है वो आजकल काफ़ी जो है वो इन हुए हुए हैं और ये जो है वो मेड इन कोरिया के लेंसेज हैं. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के होते हैं और क्या इनकी क्वालिटी है, क्या किस किस तरह के इनके शेड्स हैं और क्या इनकी प्राइस है. तो सब कुछ होने वाला है आज की इस वीडियो में, तो देर नहीं करते वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, मैंने जो दहाब के लेंसेज ऑर्डर किए थे वो मैंने किए थे, फेसबुक पे पेज है ZaibizMall से मैंने जो है ये मंगवाए थे और उस वक्त जो है उनकी साइट पे डिस्काउंट चल रहा था. आई थिंक अभी भी है वो डिस्काउंट. तो ये जो है वो 1200 का एक पेयर मिल रहा था दहाब लेंसेज का और उस वक्त डील थी और आई थिंक अभी भी डील है कि वन पे जो है वो वन फ्री है, ठीक है ना. तो आप चेकआउट कर सकते हैं ZaibizMall में. और जो है 200 जो है वो इसकी DC थी, तो ये जो है मुझे 1400 के दो पेयर्स पड़े. तो ये कुछ जो है वो इस तरह के पाउच में मुझे मिला है और इस पाउच में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले जो है वो इसका लेंस का सोल्यूशन है, ठीक है ना, लेंस का सोल्यूशन है. प्लस जो है फिर इसके इस तरह के जो है वो दो केसेस अवेलेबल हैं और आई ड्रॉप अवेलेबल है, इसकी लेंस स्टिक अवेलेबल है और कुछ प्रिकॉशन वगैरह भी हैं लेंसेज के हवाले से, ठीक है. और जो है हमारे लेंसेज हैं. अच्छा, लेंस के जो है वो वन पे वन जो है वो फ्री था. तो मैंने जो है वो जो शेड्स मंगवाए हैं वो एक है सॉलिटायर, ठीक है ना, एक जो है वो सॉलिटायर का शेड मंगवाया मैंने. और इसकी जो हमारे पास एक्सपायरी है वो है 2024 की, यानी कि काफ़ी टाइम है इसकी एक्सपायरी में भी. ये नहीं कि फ़ौरन एक्सपायरी वाली डेट के करीब हो तो ये उन्होंने सेल लगा दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. और दूसरा जो मैंने शेड मंगवाया है वो है ल्यूमी रेड हेजल, ये शेड है, ठीक है. तो ये दो शेड मैंने मंगवाए थे और आज जो है हम देखते हैं कि ये शेड जो है वो किस तरह का लुक देते हैं. सबसे पहले जो है मैं सॉलिटायर का जो शेड है वो वेयर करती हूँ और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि ये शेड जो है वो मेरी आइज़ पे कैसा लगे. सो गाइस, ये जो है मैंने सॉलिटायर जो है वो शेड वेयर कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका लुक जो है बहुत ही ऑसम आता है. शेड की जो है मुझे काफ़ी जो है वो तलाश थी कि मुझे ये शेड मिल जाए और मुझे जो है वो दहाब के लेंसेज में ये शेड दिखा तो मुझे लगा कि ये वही शेड होगा जो लगने के बाद जो है वो इस तरह का लुक देगा. तो आप देख सकते हैं. अच्छा, इसकी डाया की जहाँ तक बात की थी, इसका डाया जो है वो 14.2 mm का है. अच्छा, मुझे जो है 14.5 mm का चाहिए था लेकिन इनके पास यही अवेलेबल था, लेकिन ये जो है मेरे ख्याल से मेरी आइज पे जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है. वरना जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेंस हो जाते हैं तो वो जो है वो आपके जो है वो बहुत फेक लुक दे रहा होता है, लेकिन ये जो है आपके डाया के लिहाज से बिल्कुल जो है वो सही लुक देता है. तो अब मैं दूसरी आइज में भी इसको जो है वो लगा के आपको दिखाती हूँ, ठीक है. सो गाइस, मैंने जो है अपने दोनों आइज में जो है ये सॉलिटायर का शेड जो है वो लगा लिया है और ये जो है वो कुछ ऐसा लुक दे रहा है. सो गाइस, आई थिंक ये जो है वो शेड काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरी आइज पे और मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है ये शेड. तो अब जो है हम दूसरा शेड अप्लाई करते हैं जो कि है हमारा कौन सा है भाई, जो है ल्यूमी रेड हेजल. तो अब जो है वो ल्यूमी रेड हेजल शेड जो है वो हम अप्लाई करते हैं. सो गाइस, ये है हमारा ल्यूमी रेड हेजल का शेड और ये शेड जो है वो कुछ इस टोन में जाता है, ग्रीनिश ऑरेंज थोड़ा मिक्सअप अगर मैं कहूँ तो इसका कुछ इस तरह का शेड है. सो गाइस, मुझे बताएं आप कमेंट सेक्शन में कि आपको जो है वो कौन सा शेड ज़्यादा अच्छा लगा है.
एल्यूमिनेट हेजल या सॉलिटायर, और मुझे जहाँ तक लगता है तो मुझे जो पर्सनली ज़्यादा शेड पसंद आया वो मुझे सॉलिटायर का शेड ज़्यादा पसंद आया। ये भी जो है वो अच्छा है क्योंकि ये जो है वो एशियन टून के लिहाज से जो है ये शेड मेरे ख्याल से फिट लगता है आइज पर जो है वो एल्यूमिनेट हेजल, क्योंकि हेजल शेड जो है वो मोस्टली जो है वो एशियन आइज पर जो है वो अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि बिल्कुल ही एक हटके शेड था तो मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आया और काफ़ी अच्छे हैं। और अच्छा एक बात मैं बताऊँ इसके, ये जो है बिल्कुल बहुत थिन है, ये नहीं है कि बहुत ही हार्डली एक होते हैं, ये बहुत ही स्मूथ यानी कि जिनमें से एयर पासिंग होती है बिल्कुल सॉफ्ट हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं अभी इसको लगाया है डायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट लगाते हैं जब तो काफ़ी जो है वो इरिटेशन हो रही होती है, लेकिन अभी के अभी मैंने इसको लगाया है जस्ट इसकी सील पैक ओपन करके और मेरी आईज में जो है वो कोई इरिटेशन नहीं हो रही है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये, क्योंकि इसका एक पेयर जो है मैंने पहले यूज़ किया था, ठीक है ना। तो ये जो है लॉन्ग लास्टिंग थे, 12 आवर्स तो ये इजीली निकाल सकते हैं, कोई इसमें ना इरिटेशन नहीं होती है। आप जस्ट जो है वो अगर होती है आपको तो इसकी आई ड्रॉप इन्होंने गिवन है वो आप डाल लें तो आपकी आईज में जो है वो इरिटेशन भी नहीं होगी, और आई साइट की भी जो है वो अवेलेबल है लेंसेज इनकी साइट पर, तो अगर आपको जो है वो आई साइट इशू है तो वो भी जो है वो उस पर आपको लेंसेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी 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 जो है वो अच्छा शेड लग रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में बस यही था, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोग जो है वो और क्या क्या देखना चाहते हैं हमारी वीडियोज़ में। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।